नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर अलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी के लिए, जैसा कि आप लोग के क्वेश्चन थे स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है और टाइपिंग टेस्ट का लेकर कई लोगों को क्वेश्चन था, तो आज हम आपको बताएंगे कि स्टेट फर्स्ट का जो एग्जाम पेपर रहता है उनका लेवल कैसा रहता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, तो क्या पढ़ें कैसे पढ़ें तो आइए जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी यहाँ पर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोग को पैटर्न तो बता ही दिया था, आज हम दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता देते हैं। देखिए आपका पेपर जो है दो चरणों में होगा, और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और स्टेज फर्स्ट के एग्ज़ाम में 200 नंबर का पेपर होगा, टॉपिक कौन कौन से पूछे जाएंगे मैंने आपको बताया था, हिंदी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश, UPG के, ठीक है, और आप लोग की मैथ्स रीजनिंग मिक्सअप में रहती है, वो रहता है आपका जनरल इंटेलिजेंस के नाम से, क्लियर है। ओके, तो यही सारे आप लोग के टॉपिक रहेंगे, क्या पढ़ना है मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और साथ में इसके साथ ही मैं आपका लाइव टेस्ट के माध्यम से तैयारी भी कराऊंगा। ओके, तो ये तो हमारा रहा दोस्तों यहाँ पर 200 नंबर का पेपर, ये है स्टेज फर्स्ट का एग्जाम। तो यहाँ पर आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और ये टाइमिंग इसके लिए दी जाएगी 2 घंटे 30 मिनट की, यानी कि दोस्तों 200 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से आप लोग को 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर क्या टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग करनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ आज स्टेज सेकंड में आपको क्या करना है, कितने नंबर का पेपर होगा, अप्रॉक्स कितने स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, कितने मिनट का होगा, और मिनिमम क्वालिफाई मतलब दोस्तों जो है कम से कम जो इसमें कितने नंबर लाना अनिवार्य है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होगा ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको टाइमिंग 15 मिनट की दी जाएगी, यानी कि दोस्तों 15 मिनट का एग्जाम होगा 50 नंबर का। इसमें करना क्या, देखिए एक आपको यहाँ पर आपको दिया गया कैंडिडेट सेल बी प्रोवाइडेड आर टेक्स्ट, एक आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें कम से कम एक्सप्लोर लगभग जो है 500 वर्ड होंगे, 500 वर्ड्स होंगे। एक आपको इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा जिसमें 500 वर्ड्स होंगे, तो बिल्कुल आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी करा सकता हूँ, बाकी टाइपिंग तो आप लोगों को खुद ही देना है, ठीक है। तो टाइपिंग की तैयारी करते रहेगा, 15 मिनट का दोस्तों टाइम मिलेगा, 500 वर्ड का दोस्तों एक पूरा पैसेज होगा जिसको टाइप करना है, बिल्कुल सेम उसी टाइप से कंप्यूटर में सेम फॉर्मेट में जो उसको उतारना है, जिस फॉर्मेट में आप लोग को लेटर देगा इंग्लिश का। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 5 कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी वैकेंसी, तो दोस्तों यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए दोस्तों 5 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि आपके स्टेज फर्स्ट से जो क्वालिफाई करके आए हैं, तो स्टेज सेकंड के लिए एक वैकेंसी के लिए अप्रॉक्स 5 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होंगे, जो बाद में स्टेज सेकंड का एग्जाम देंगे। ओके, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है, तो स्टेज फर्स्ट का आपका एग्जाम जो होगा रिटर्न होगा। ओके, बाकी स्टेज सेकंड में आप लोग करना है कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपकी होगी डेटा एंट्री, यानी कि टाइपिंग करनी है, वर्ड प्रोसेसिंग आपको पता होना चाहिए, कुछ कंप्यूटर ऑपरेशन करा के देख सकते हैं। ओके, और कम से कम इस पेपर में आप सभी को 17 नंबर लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं, जो भी यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे हैं अलाहाबाद हाईकोर्ट के रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो बिल्कुल अगर रिव्यू ऑफिसर बनना चाहते हो और आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे बनना ही बनना है, इस बार चूकना नहीं कभी भी, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, और कम से कम आपको स्टेज सेकंड क्वालिफाई तो करना ही करना है, और कम से कम 17 नंबर लाना है। ओके, तो बिल्कुल ये थी इसके बारे में छोटी सी जानकारी, और एक सबसे अच्छी बात है इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, और दूसरी अच्छी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब हम देखते हैं स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर हिंदी, आज हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा GS के भी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए हैं। तो मेरा टारगेट दोस्तों पता है क्या है, जो भी नए लोग जुड़े उन्हें बता दें, देखिए हमारा टारगेट ये है, सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर जो भी RO और ARO के हैं उन सारे सेट को कंप्लीट कराना, जिससे कि आप लोग को आइडिया लग सके, क्वेश्चन का लेवल जान सकें, और फिर उसी लेवल और पैटर्न से मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, और प्रैक्टिस सेट के बाद फिर हम लोग लाइव टेस्ट के माध्यम से आपका रिविजन कराएंगे और आपको याद भी कराएंगे। ओके, तो बिल्कुल अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो कनक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है ना, धतूरा भी होता है, तो यहाँ से कनक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको यहाँ पर यह बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, तो चलिए बताइए।
तो बता दें दोस्तों, कनक का पर्यायवाची कमल नहीं होगा, राइट आंसर होगा कमल। चलिए फिलहाल अब मैं आप लोग का टेस्ट लेता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, सभी लोग उसका जवाब देंगे जल्दी से जल्दी। चलिए बताइए, इक्षु का तद्भव कौन सा, तत्सम तद्भव मैंने बताया था क्वेश्चन आता है। इक्षु का तद्भव होता है आप लोग का रूप होता है ईक, राइट आंसर होगा आपका सी वाला, जिसका भी सी आ रहा बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है आपको, कोई क्वेश्चन आज छूटना नहीं चाहिए, कोई भी गलत मत करना दोस्तों। आम का तत्सम रूप क्या होगा, क्योंकि अगर आप लोग ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर इसमें नंबर ले आते हैं दोस्तों, तो एग्जाम में नंबर लाने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं क्रिएट होगी। आम का तत्सम रूप क्या है, आम का तत्सम रूप है आम्र, राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका आम्र। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, रसाल शब्द जो आपको दे रखा है, कुछ लोग का रसाल आ रहा है। देखिए रसाल जो है आपका, ये मैं आपको बता दूँ, रसाल शब्द जो है आम्र का अनेकार्य शब्द है। ओके कान जो है वो दोस्तों कान जो है कान का तत्सम होगा, तो यहाँ से राइट आंसर तो होगा आपका ए वाला। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आप लोग का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके सामने दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या होता है, सभी लोग पहचानिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दिए गए विकल्पों में से सात शब्द जो आपको दिया गया है ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है ना, संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ये हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। अब देखते हैं हमारा छुदा शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा, ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया छुधा, ठीक है ना, तो इस शब्द का विलोम क्या होगा, देखिए इसका अर्थ होता है भूख, ठीक है ना, छा से छत्री वाला है तो इसका मतलब भूख, इसका विलोम होगा तृप्ति अर्थात संतुष्टि, राइट आंसर होगा आपका तृप्त, छुधा का तृप्त यानी कि संतुष्टि। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा अगला क्वेश्चन, कई बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है, लघिमा का विलोम शब्द क्या होगा, लघिमा का विलोम होता है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, महिमा, लघिमा राइट आंसर होगा आपका महिमा, ये इसका अपोजिट शब्द है। देवोपमा दे रखा है दोस्तों आपका, देवोपमा, तो देवोपमा देव सदा सुंदर भावों की अभिव्यक्ति है, राइट आंसर होगा आपका महिमा। तत्सम शब्द कौन सा दिया गया है, सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर आएगा आपका क्लिष्ट, क्लिष्ट शब्द हमारा तत्सम शब्द है। अब देखिए आपका ईंट से ईंट बजाना, दोस्तों इस बार ईंट से ईंट बजा देना, लेकिन इस बार एग्जाम में सेलेक्ट होना ही होना है आपको, तो एट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर है बर्बाद कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए फिलहाल यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा बर्बाद कर देना, ईट सेट बजा देना, किसी को परेशान कर देना, बिल्कुल बर्बाद करके रख देना, तो ये होता है आपका ईट सेट बजाना। और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचान, कुछ नहीं कहते हैं मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखिए इसका मतलब होता है मन की या रहस्य की बात को समझ लेना, ठीक है ना, उड़ती चिड़िया को पहचान मतलब होता है मन की या फिर किसी के रहस्य की बात को समझ लेना, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बताया आपने। आप देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, रिजु शब्द का विलोम क्या होगा, तो रिजु शब्द का विलोम क्या होगा, इसका मतलब होता है, देखिए रिजु का मतलब होता है सरल रेखा, रिजु रेखा सरल रेखा मतलब हो जाएगा वक्र, रिजु रेखा मतलब होता है सीधी रेखा और वक्र का मतलब होता है थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी, तो राइट आंसर होगा आपका ए वाला वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है गलत दिया गया, अपेक्षा करना उसका उपेक्षा हो गया, ठीक है ना, अग्रज अनुज, उन्नत अवगत, आदान प्रदान, तो देखिए आदान प्रदान जो है एक सही विलोम युग्म है, जबकि उन्नति का विलोम होता है अवनति, उन्नति का क्या होता है आपका अवनति होता है, तो कौन सा यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, बिल्कुल यहाँ पर उन्नत दे रखा है तो यहाँ पर आपका अवनति होगा ना कि अवगत, तो ये गलत दे रखा है, इसलिए यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा सी वाला। समझ में तो आ रहा सभी को, बस आपको समझ में आना चाहिए, बाकी मेरा काम है ये, आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और मैं आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग आकर एक बार PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, चलिए बताएंगे सभी लोग, राइट आंसर होगा आपका कर, कर जो होता है आप लोग का हाथ का पर्यायवाची है ना कि हिमालय का, ये होता है आप लोग का हाथ का पर्यायवाची, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में प्रस्तुत रस के लिए सही विकल्प चुनिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, दोस्तों इन पंक्तियों में जो है आप लोग का जो रस है वो पहली बात तो श्रृंगार रस है और ये वियोग रस है, इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं, तो भगवान राम कह रहे हैं पशु पक्षियों से सीता के बारे में दुखी होकर पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमारा अगला क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, तो लेवल देखिए दोस्तों ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगर पहले से बता दिया जाएगा तो आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करें,
तो अनेकार्थक शब्द कौन सा है आपका? ये आपका अंग का है। अंग जो है आपका भेद, पक्ष, टुकड़ा, ये इसका अर्थ होता है। बाकी सारे सेम दे रखे हैं, कान, नासिका, नेत्र। अंग आपका अलग है सबसे, क्योंकि बाकी तो नाक, कान, नेत्र है तो एक तरीके से हमारी बॉडी के पार्ट ही पार्ट्स ही हैं, बाकी अंग आप लोग का अलग है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अभी प्लस आगत। राइट आंसर था हमारा अभी प्लस आगत, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए अब देखते हैं, अब मैं आप लोगों से यहाँ पर आगे 25 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, अब मैं 25 क्वेश्चन पूछूंगा और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताएंगे 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही किसने किसने किए हैं, बताएंगे सभी लोग। पंचानन में कौन सा मास है? पहला शब्द देखिए, पहला जो है इसका मतलब होता है पंचानन, अर्थात पाँच आनंद, जिसके भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी या फिर सिंह, तो यहाँ पर बहुवरी समास होगा। जब अर्थात करके दोस्तों आपका कोई भी मतलब निकलता है, जैसे कि भगवान श्री गणेश लंबोदर कहते हैं ना, लंबा है उधर जिसका आधार भगवान श्री गणेश, तो वहां पर भी बहुबरी होगा। अब बताएंगे शुद्ध शब्द कौन सा है, औद्योगिक जो है कैसे लिखा जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, औद्योगिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर है, ये शब्द आपका शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, बाकी सारे गलत दिए गए। सभी बताएंगे चिरंतन, ठीक है ना, तो चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल सभी को बताते हैं यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, इसका विपरीतार्थक होगा नश्वर। राइट आंसर होगा नश्वर, क्योंकि चिरंतन का मतलब होता है बहुत दिनों से चला आने वाला, पुराना, एवं नश्वर का अर्थ होता है नष्ट करने वाला, नाशवान। तो यहाँ से तो फिलहाल एक ही आंसर आता है आपका नश्वर, बाकी लोग याद कर लीजिए जिनके भी यहाँ पर आंसर गलत आ रहे हैं ना दोस्तों। तो अभी आप लोग गलत आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में ध्यान दे लीजिए, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लीजिए आप सभी लोग, ताकि आप लोग एग्जाम में गलती ना करें। चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल बंदो राई, इसमें रूपक अलंकार होगा। जहां पर उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए वहां आपका रूपक अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द का अर्थ अनेक बार निकले वहां पर आपका श्लेष होता है। जहां एक ही वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के समान गुणधर्म भाव से की जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार है। आइए अब देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा में आपको प्रत्यय बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बड़ी मेहनत के बाद ढूंढा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो मुझे कुछ लोगों ने पेपर दिए हैं जो पेपर मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सब लोग मिलकर हमारी हेल्प करते रहिए, ताकि और भी हमारे जरिए सभी को पता चल सके, सभी लोग जान सकें। ओके तो चलिए फिलहाल राइट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से ए वाला, एरा। लुटेरा में आप लोग का एरा लगा है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में। अब देखिए ये तो थे हिंदी के क्वेश्चन, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक्सेल का फॉर्मूला सदैव जो इक्वल टू से शुरू होता है। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग किया होगा, यूज़ किया होगा, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इससे पहले स्टार्टिंग इक्वल से करते हैं। इसके बाद कर्सर के बाईं ओर से करेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? तो कर्सर के बाईं ओर से, मान लीजिए दोस्तों आपका एक कर्सर आ रहा है जो कि ब्लिंक ब्लिंक करता रहता है, बार बार आता है जाता है आता है और जाता है, तो इस कर्सर से लेफ्ट साइड की ओर अगर हटाना है कोई भी चीज लिखी है तो कौन सा बटन दबाते हैं दोस्तों हम लोग? जी बिल्कुल, कंप्यूटर तो सभी लोग यूज करते ही होंगे, बैक स्पेस। बैक स्पेस दबाएंगे तो आप लोग का बाईं साइड वाली चीज एक मिट जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने में। ओके चलिए अब मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं, क्या आप लोगों ने पढ़ा है इस क्वेश्चन को? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? डॉस, वेस्टू, यूनिक्स या फिर इनमें सभी? तो देखिए ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का सेट होता है, द सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विच जो क्या करता है आप लोग का कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। विच मैनेज, जिसके संसाधन होते हैं दोस्तों उसको मैनेज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका डी वाला। ECS, दोस्तों ECS की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन ए वाला, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म होती है ECS की। एक बाइट किसके बराबर होती है? दोस्तों एक बाइट जो है आप लोग का, वन बाइट में आप लोग के 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का ये वाला, ध्यान रखिएगा। और एक निबल में कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक निबल में जो है कितने आप लोग के बाइट होते हैं, बिट्स होते हैं, ये आप सभी को कमेंट के थ्रू बताना है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? कौन सी आप लोग की अस्थायी स्मृति है? 27 का राइट आंसर होगा, देखिए अस्थायी
एक होती है वॉलेटाइल और एक होती है नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पर आपके जो रैम है ये आप लोग के दोस्तों कौन सी अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होता है रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? ओके, इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो किस प्रोटोकॉल के द्वारा जो है WWW में पहुंच सकता है? राइट आंसर होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं HTTP। इसका मतलब होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब कौन दे सकता है। वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है निर्भर करता है किस पर? देखिए वर्चुअल मेमोरी जो होती है प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है, अतः स्पष्ट है कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा आपका डिस्क स्पेस पर। अच्छा दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह बताना है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती हैं? दोस्तों हमारे इंग्लिश में 26 वर्णमालाएं होती हैं तथा कीबोर्ड में सामान्यता जो वैसे तो 102 की होती हैं। की के प्रकार हैं आप लोग का अल्फा न्यूमेरिक, पंचुएशन की, स्पेशल की, ठीक है ना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सी वाला जाएगा 26। जब करेक्टर 26 होते हैं ए बी सी डी के तो की भी वर्णमाला कितनी होंगी, 26 होंगी। अब देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में, अभी कुछ GS के क्वेश्चन है 2019 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चयनित भारतीय फिल्म के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों आपको दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है जिसका निर्देशन जो है रीमा दास ने किया है। इसने जो है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इसका विश्व प्रीमियर नई दिल्ली में हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें यहाँ से 31 का जो राइट आंसर आएगा ये आपका क्या आएगा, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ये केवल फर्स्ट और सेकेंड वाला पॉइंट सही है, बाकी आपका गलत दे रखा है, ठीक है ना। ये जो हुआ है नई दिल्ली में नहीं हुआ, ये आपका मुंबई में हुआ है। ये जो प्रीमियर है ये मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2018 में किया गया था, इसलिए केवल आपका पहला और दूसरा पॉइंट सही है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, हाल ही में किस प्रसिद्ध राइटर को सबसे कम उम्र में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार हेतु चयनित होने का गौरव मिला, मतलब बहुत ही कम उम्र में इसने प्राप्त कर लिया। राइट आंसर क्या, देखिए ब्रिटिश लेखक डेजी जॉनसन प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2018 के लिए चुनी गई सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। राइट आंसर दोस्तों डेजी जॉनसन, ये है महान व्यक्ति डेजी जॉनसन जो कि चुनी गई हैं एक लेखिका के रूप में सबसे कम उम्र की। अब देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है मैक्रो क्या है, और ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो मैक्रो दोस्तों आपका क्या है, WBA का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम, ये कहलाते हैं आप लोग क्या, मैक्रो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आंसर आप लोग क्या करेंगे, मैंने कई बार आपको याद भी कराया। राइट आंसर होगा आप लोग का भारी जल। चलिए अब बताएंगे आप सभी लोग निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? 35 का राइट आंसर होगा आप लोग का ओजोन, आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीमैन। तो बिल्कुल दोस्तों ये सारे के सारे आपके प्रयोग किए जाते हैं जीवाणु मुक्त करने के लिए, तो यहाँ से तो आपका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहें यार आप सभी के सामने, मिर्च जो होती है तीक्ष्ण होती है, मतलब ये मिर्ची लगती है आपको, ये किसके कारण लगती है, मिर्च में ऐसा क्या होता है? तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है और कैप्सिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का ऑप्शन बी वाला। बाकी आपको दिया गया एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल और गुलाबी होता है। दोस्तों प्याज जो होती है आप लोगों ने देखा होगा लाल और हल्की सी गुलाबी होती है, तो ये होती है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। ओके, कैरोटीन दे रखा है गाय के दूध का जो हल्का सा पीला रंग होता है, दूध देखा ना, दूध गाय का हल्का सा पीला रंग होता है गाय के दूध में, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। और टमाटर लाल क्यों होता है, तो टमाटर का लाल रंग होने का कारण जो है वो है लाइकोपिन की उपस्थिति। फिलहाल तो आपको मिर्च जो है तीक्ष्ण क्यों होती है, तो इसका रीजन तो आपका बी वाला होगा। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कैफीन क्षारक जो उपस्थित रहता है किसमें? कैफीन जो आप लोगों का चाय और कॉफी दोनों में ही पाया जाता है, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। तो देखिए 38 का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा नाइट्रेट। एग्जैक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा 38 का? नाइट्रेट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में ही नहीं आया था? तो भारत में नहीं आया था कौन था आपके सिकंदर के साथ? 39 का राइट आंसर होगा आपका डाइमेकस। ओके, डाइमेकस जो था सीरियाई राजदूत था जो कि बिंदु के शासनकाल में आया था। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए कार्टियस,
डिओडरस, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, न्यारकस, आर्निकस आदि यूनानी इतिहासकार सिंगनर के साथ भारत आने के समय भारत आए थे, जबकि डाइमेकस सीरियाई राजदूत था जो कि बिंदुसार के शासनकाल में आया था, ना कि सिकंदर के। तो इसलिए दोस्तों यहां से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, क्लियर है। और अब जाते जाते सभी लोग इसका जवाब देकर जाएंगे कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था। तो फिलहाल दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए डेली आप लोग को लाइव टेस्ट लूँ, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं और साथ ही साथ मैं आप लोग का इसकी तैयारी भी कराऊं बिल्कुल इसी पैटर्न पर जिस पैटर्न से आपका पेपर आता है, तो प्रीवियस पेपर भी मैं आपको सॉल्यूशन उसका दूं, तो बस आप सब लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तब, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा जितना भी मुझसे हो सकेगा, एक एक चीज़ ढूंढ के दूंगा आप लोगों को जो आपके एग्जाम में आएगी। तो बिल्कुल मान के चलिए अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस पूरी वीडियो से एक क्वेश्चन तो बनता ही आपके पेपर में आने के लिए, तो जितनी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है उन सारी वीडियो से एक एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा बिल्कुल। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ से सी वाला, मित्र। ओके, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के सात अंग थे जिसमें स्वामी, अमात्य, कोश, दुर्ग, जनपद, बल और मित्र, ये सात अंग थे। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में, तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।